नमस्ते दोस्तों। एक्चुअली अभी शाम का वक्त है और मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाया। सुबह मूड अपसेट था, कुछ मतलब कुछ चीज़ें ऐसे हुई हैं जो अब क्या बोलूँ मैं पब्लिकली, अच्छा नहीं होता बोलना, बट मूड काफ़ी अपसेट था। अभी बेटर है, अभी यहाँ जस्ट हम लोग मैक्लोडगंज पहुँचे हुए हैं और पूरी जर्नी जो है वो तो आप फिर व्लॉग में देखो। सुबह से हम लोग जैसे जैसे निकले थे थोड़ा माइंड अपसेट था और अब हमारे टीम में हम और नेताजी ही हैं। उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा बिकॉज अब कोई भी डिसीजन होता है तो ऐसे तो नहीं लिया जाता, काफ़ी उसके पीछे काफ़ी चीज़ें होती हैं। और एनीवेज जो भी है, लाइफ गोज़ ऑन, ऐसी चीज़ें उतार चढ़ाव तो बहुत कुछ होता है और हमको तो बस आगे बढ़ना है लोगों के लिए और जितना हो सके करना है सेवा। और एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी दलाई लामा जी से मिलने की, बट सिंस ऐसा माहौल क्रिएट हो गया था कि मम्मी भी नहीं आ पाई। मम्मी को भी था, उनका इनविटेशन एक्सेप्ट हुआ था बट मूड नहीं था मम्मी का, तो मैं और नेताजी ही यहाँ पर आए हुए हैं। तो मैं ये रात को बना रहा हूँ वीडियो, पहुँच गया हूँ मैक्लोडगंज। सुबह की जर्नी फिर अब आप सुबह से देखो जब हम वहाँ से निकले हुए थे, और मेरी लाइफ का सबसे पहला इतना लंबा ट्रिप है ये और सबसे यादगार भी रहेगा ये ट्रिप बिकॉज चांस मिला है हमें हिज होलीनेस दलाई लामा जी से मिलने का। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मतलब मैं अपसेट हूँ लेकिन इसलिए इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट कब से मेरी दिली इच्छा था कि मैं उस शख्सियत से मिलूँ, उस गुरु से मिलूँ जिसने इतना कंपैशन डाला है टिबेटन लोगों में। सोचो एक बस एक छोटी सी ज़रूरत किसी की, वो सब कितने काइंड हार्टेड होते हैं कि आगे आ जाते हैं उस गुरु से, तो सोचो ना फिर मतलब कि किस लेवल पे हैं वो। तो कोई शब्द नहीं उनके लिए मेरे पास, बस इच्छा थी मेरी, विश थी, ड्रीम था, वो पूरा होने जा रहा है होपफुली। एंड हम यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पे टीपा है, टिबेटन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, और यहाँ पे हमारे सरिंग लेडोई जी, भूत भाई बहुत ही फनी है, बहुत अच्छे हैं, वो भी मिले हैं हमें। तो आप व्लॉग देखो, सुबह से व्लॉग देखो जब हम निकले। और इस ट्रिप में हमने खूब ढेर सारा फन किया है और लुड़े भैया जो हैं उनके साथ काफ़ी जगह हम घूमे, बहुत सी चीज, बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हैं। तो व्लॉगिंग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, संदीप भट्ट व्लॉग्स नाम से चैनल है, तो उस पर मैं व्लॉग्स डालूंगा। ये जो वीडियो है ये तो सिर्फ दलाई लामा जी से मिलने की है, बाकी सारे व्लॉग्स उसमें आएंगे, आप वहाँ देख सकते हो। सुबह सुबह का वक्त है, मैं अपने कपड़े वपड़े पैक कर रहा हूँ, बैग पैक कर रहा हूँ। कहते हैं ना कि ज़्यादा केयर ज़्यादा प्यार का नतीजा भी कभी कभी ठीक नहीं होता बिकॉज क्या बोलूँ। एनीवेज जो अभी फिलहाल हम रेडी हो रहे हैं धर्मशाला जाने के लिए, तो सिर्फ मैं और नेताजी जाएंगे सिर्फ। ओके, ध्यान रखना अपना है, एक दिन में आ जाऊंगा फिर करता है। आ गए नेताजी हमारे, जी जी राम राम। मूड गर्म है सबका सबका दिमाग खराब है। एनीवेज हम बस भगवान का नाम लेते हैं और अपनी जर्नी शुरू करते हैं धर्मशाला की। ये दिखा रहा है 474 किलोमीटर 9 घंटे का सफर। जय श्री राम जी, जय श्री राम, जय बाबा की, राम राम, राम राम जी। हम माला में इंटर हो रहे हैं, गाड़ी उधर खड़े रास्ते में, गाड़ी उधर खड़ी है, बाहर निकले हाथ पांव खोलने, लाइन है ट्रेन की, पहाड़ ऑलमोस्ट पहुंच गए हिमाचल। एक हाथ से करूंगा, कैच। ये देखिए, ये आकर छूट गई भाई। 6 घंटे की ड्राइव हो गई है और लास्ट 4 घंटे रह गए, तो हाथ पैर लेग्स पूरा स्ट्रेच कर रहा हूँ बिकॉज 10 घंटे की लाइफ की पहली ड्राइव है। कॉन्फिडेंस पता नहीं कहाँ से आ गया करने का, बट आ गया, आ जाएगा बहुत जल्दी। अब इसके साथ हम ऑफिशियली हिमाचल प्रदेश में एंटर हो रहे हैं। एचपी 12 किलोमीटर 37 मिनट रह गए, 7:30 बजे पहुंच रहे हैं हम। सुबह 7:30 बजे का निकले हुए, शाम के 7:30 भाई साहब खराब हो गई है, ये सोचा ही नहीं था मैंने। पहली बार हमने किला फतेह किया है, 12 घंटे की ड्राइव हो गई है। ट्रस्ट मी आई एम वेरी टायर्ड, बट दलाई लामा जी से मिलना है तो वो एनर्जी है अंदर करने की। लेट्स गो, टीपा पहुंचे। टीपा जी, जी कल सुबह ना 7 बजे के करीब ना मैं आपको वॉक ले जाता हूँ इसी मंदिर में, टिबेटन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग। हाँ टीपा उसका हॉल है। हाँ जी, यहाँ पे वो होता है, शो होता है। हाँ जी, सब बिगेस्ट शो इन द टाउन। ओह वाओ, कितना मैसिव है, बाहर से नहीं इतना रियलाइज हुआ ना, इतना बड़ा है, बड़ा है। थैंक यू, थैंक यू सो मच।
इतनी ड्राइव करने के बाद तो हमें एक बिस्तर रोड पे भी लगा दो, हम उस पे भी सोएंगे। तभी तो मैंने सोचा ना आप मुझे कॉल करें, मैं अरेंज करूंगा ना। जी जी, आई नो व्हेन वी ट्रैवल वी हैव प्रॉब्लम, और 15 घंटे के बाद तो मैं भी थक जाता हूं। हेलो भाई, तो साहिल रेंज होटल, साहिल दादा कल सुबह मिलते हैं उजाले में आपको। वाह, है कि नहीं, जितना अच्छा गाना गाओगे तो कॉपीराइट आ जाएगा, क्या उनको लगेगा बॉलीवुड वालों की। तो मैं बोल रहा हूं ना यार रमन, हम दोनों बहुत जल्दी मिलते हैं। सच्ची बोल रहा हूं मैं। अच्छा, आई एम एट रिस्पेक्ट बिकॉज़ बहुत आवाज है आपकी, आवाज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी आवाज है। और बस सो रहे हैं हम लोग। ऑलराइट, तो सुबह 7 भी नहीं बजे, अभी 15 मिनट्स रह गए हैं 7 बजने में, 6:45 है एंड वी आर रेडी फॉर द बिग डे। दलाई लामा जी से मिलने का वक्त फाइनली आ गया है, जिसके लिए हम यहाँ पर आए थे, फुल प्रिपेयर्ड हैं। और उनसे मिलने के लिए वो जो खाता चढ़ाना होता है वाइट वाला स्काफ, वो भी हमने ले लिए थे कल, बढ़िया वाले। और एक एनवेलप लेते हैं, उसमें कुछ दान अपने हिसाब से आप दे सकते हो। और बाकी आधार कार्ड तो ले लिया है, बाकी नेजल स्वाब होगा वहाँ पर अंदर कोविड वाला। और हम तैयार हैं, हम वेट कर रहे हैं हमारे लुडोए भूत भैया का, वो आएंगे फिर हम चलेंगे साथ में वॉक करते हुए मंदिर की ओर। एंड देन फिर वहाँ पे तो फ़ोन जमा हो जाते हैं, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते उसका। लेकिन वहाँ पे जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो फिर आपको बाद में फ़ोटो भेजते हैं मिलने के बाद, दर्शन करने के बाद। तो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड, आई एम श्योर कि जितने हमारे टिबेटन लोग हैं उनको भी अच्छा लगेगा, बिकॉज बहुत टाइम से हमारा भी ड्रीम था, फाइनली ये पूरा हो रहा है। थैंक्स टू नमग्याल दीदी, थैंक्स टू लोड़े भैया, और थैंक्स टू वहाँ पे जो सिक्योरिटी हैं और अंदर भी जो हैं टेंजिन टकला सेक्रेटरी, सब ने मिल के हमको मौका दिया ये करने का, मिलने का उनसे। वी आर थैंकफुल, वी आर ग्रेटफुल, वी आर हैप्पी, वी आर एक्साइटेड। इतना ज़्यादा बोल रहा हूँ, देख सकते हो एक्साइटमेंट मेरी। तो तैयार है, बस भैया का वेट कर रहे हैं, एंड फिर जाएंगे, फिर जर्नी शेयर करेंगे, फिर अपने इमोशंस शेयर करूंगा कि वहाँ पर जब मैं गया मैंने क्या पूछा, क्या बोला, उन्होंने क्या बोला, क्या फीलिंग थी अंदर, लेट्स सी क्या होता है, वो मैं मिल के शेयर करूंगा आपसे। सो भैया जो है वो रेडी होके आ रहे हैं, बिकॉज कल काफ़ी एक्सट्रीमली भैया ने ट्रैवल किया और थक गए, तो वो रेडी हो रहे हैं। इतने में हम वॉक करते हुए मंदिर पहुंचते हैं, 20-25 मिनट्स लगेंगे हमको नीचे पहुंचने में। तो नेताजी गए हैं, एक सुवेनियर भी लिया है मैंने दलाई लामा जी का फोटो, एंड होपिंग कि एक उसमें वो सिग्नेचर करें, ऑटोग्राफ दें, पता नहीं पॉसिबल हो पाया कि नहीं, मैं ट्राई करूंगा। और बाकी बढ़ते हैं, निकल पड़े हैं खिलाड़ी दोनों वॉक करते हुए, फुल प्रिपेयर्ड, फुल एक्साइटेड। 20 मिनट्स में मंदिर पहुंच जाएंगे, फिर आगे आगे कहानी आपको बताते रहेंगे क्या होता है। ये देखिए अर्ली मॉर्निंग व्यू धर्मशाला मैक्लोडगंज का, छके चोलिंग टेम्पल रीच्ड। रीच्ड, पहुंच गए जी हम। सो ये देखिए पहुंच गए हम, मंदिर उधर है और मिलने वाला उधर है, उधर चलेंगे जी। सो ये सुवेनियर है जिसमें साइन करने की कोशिश रहेगी हमारी। अभी उन्होंने परमिशन के लिए बोला है, करके लगा के जाना, ठीक है, जो हाथ में से फैला के ये, और ये अच्छा, ये ऐसे करके उसके सामने रख दो, दलाई लामा जी के सामने। हाँ, छूना है, छूना जो भी करना है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी लाइन लगी हुई है, वेट कर रहे हैं, नाम एक एक करके बुला रहे हैं, प्रिपरेशंस चल रही हैं यहाँ पे, देखिए वेटिंग, कॉलिंग आउट द नेम्स। वक्त आ गया है करीब, फाइनली ड्रीम कम ट्रू होने वाला है, नेताजी और भैया जी का सपना पूरा हो रहा है। यस यस, अभी 10-5 मिनट में अब उनका एंट्री हो जाएगा। ओह यस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल ओवर टिबेटन सब्सक्राइबर्स, फॉलोवर्स एंड एवरीवन। हिज होलीनेस, वी आर कमिंग, आई एम सुपर एक्साइटेड। So I received this and ye dhaga, and the most important thing
दलाई लामा जी साइन दिस फॉर मी, उन्होंने पर्सनली इसमें साइन किया, सो दिस मींस अ लॉट टू मी. फोटो किसी का बोलता है इतना फैमिली ऐसा फील हो रहा है, मैं क्या बताऊं. दलाई लामा जी के साथ जो अभी दर्शन हुआ है, जो हुआ वो मैं पहले सांस ले लूं फिर एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज इट वाज सुपर 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 ऑसम. आई एम नर्वस राइट नाउ, मेरे को थोड़ा रिकवर होने के लिए टाइम चाहिए, फिर एक्सप्लेन करूंगा सर. बहुत अच्छा बनाया मतलब. तो जितने भी लोग दर्शन के लिए आए थे सबने बोला संदीप जी वेरी लकी कि इतना पर्सनली दलाई लामा जी ने आपको टाइम दिया है, बिठाया पास में, सुनी पूरी बात. बिकॉज वो जो रिम्पोचे थे उनके और एक जो पर्सनल बॉडीगार्ड थे ना, उन्होंने सारा एक्सप्लेन किया कि मेरे ब्रदर की डेथ हो गई. मेरे को तो बोलने से पहले ही सारा बता दिया कि इनके फादर की भी डेथ हुई है और ऐसे इतना अच्छा काम करते हैं, इतने टिबेटन्स कनेक्टेड हैं इनके साथ. तो दो मिनट ऐसे माथे से माथे को टच करके रखा, हाथ फेरा सर पे, ऑसम. एंड फिर पर्सनली बुलाया एंड फोटोग्राफ ऑटोग्राफ दिया, उसमें साइन किया, अमेजिंग. हम जाएंगे, एग्जिट करेंगे, कैब लेंगे, ऊपर टीपा जाएंगे वहाँ. चलो टीपा आओ भाई, अच्छी दिलाई मैं तो फंस गया इसमें. बेहतरीन एकदम दर्शन हुए हमको तो. फाइनली अब जाके हम रूम पे पहुंचे हैं, अब दो घंटे हो गए. उसके बाद एक और हम रिंपोचे से मिले, उनकी भी ब्लेसिंग्स मिली मुझे. एंड मतलब जेन्युइनली जितने भी लोग वहां पे थे, बहुत लंबी लाइन लगी थी. देखो ये नंबर लिखा होता है, दिखा है इसमें 176, तो हाथ में ऐसे नंबर लिखा था, तो नंबर वाइज था. एंड बहुत लंबी लाइन थी, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 200-250 लोग थे उस आज. एंड जैसे हम लोग पहुंचे वहां पे, पहले एक नेजल स्वाब टेस्ट हुआ अंदर नाक में, जितने लोग अंदर आए सबके आंसू बहे, पहले आंसू बहना शुरू हो गए, बिकॉज वो टेस्ट थोड़ा सा वैसे होता है ना. एंड देन फिर अंदर बड़े हमने वेट किया एंड फिर नेजल स्वाब टेस्ट हुआ. स्टार्टिंग में जो एक वहां पे एक सिक्योरिटी में जो थे वो मुझे जानते थे, तो उन्होंने बोला कि मैं आपकी ब्रीफिंग कर दूंगा. तो उन्होंने पहले, जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा हिज होलनेस के पास, तो उन्होंने ब्रीफिंग की पहले. तो पहले उन्होंने थोड़ी सी ब्लेसिंग्स दी, फिर मुझे कहा कि यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड यू मस्ट कंटिन्यू, यू आर अ यंग मैन. फिर कि यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, उन्होंने हमारे काम को अप्रिशिएट किया और बोला कि इसको कंटिन्यू रखो, यू आर अ गुड यंग मैन, मतलब ऐसे ऐसे बोला मुझे. एंड देन फिर मैं एक फ़ोटो लेके गया था जिसमें उन्होंने साइन किया ना, तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे. पहले तो मतलब मेरे बताने से पहले इतने में वहाँ पे जो उनके पर्सनल सिक्योरिटी या बॉडीगार्ड आई थिंक थे, और एक और उनके साथ रिम्पोचे खड़े थे, उन्होंने भी फिर हमको पहचान लिया. फिर दलाई लामा जी को और अच्छे से एक्सप्लेन किया. एंड देन फिर उन्होंने बताया कि जैसे मेरे बताने से पहले कि मेरे ब्रदर की ऐसे ऐसे डेथ हो गई थी यंग एज में, फादर की भी हो गई, अब मैं और मम्मी जी हैं बस. तो दलाई लामा जी का एक्सप्रेशन था वो, मतलब एक बार दिमाग में एकदम से फिट है, कैसे उन्होंने रिएक्ट किया था कि सो सैड. फिर उन्होंने ऐसे हाथ रखा एंड प्रेयर की लॉन्ग लाइफ के लिए, अच्छी जिंदगी के लिए, हेल्दी जिंदगी के लिए प्रेयर की मेरे लिए. ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 20-30 जितने भी लोग जा रहे थे, हार्डली मेरे ख्याल से 10-20 सेकेंड का टाइम मिला था. लेकिन आई एम मतलब इतना लकी फील हो रहा है कि इतना ज़्यादा टाइम दिया उन्होंने. उन्हें फिर ब्लेसिंग्स दी. फिर उसके बाद जो फोटो लेके गए थे, उन्होंने बोला कि दो मिनट वेट कर लो, क्योंकि मेरे बाद थोड़ी लाइन रह गए थे. पहले टिबेटन लोग सारे मिले, फिर इंडियन थे ना, तो फिर रशियन भी लोग थे कुछ. तो जैसे ही सबका ख़त्म हुआ, फिर दोबारा बुलाया मेरे को, फिर दोबारा उन्होंने समझा काम को, फिर बोला कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कंटिन्यू एंड आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा ऐसे ऐसे करके. मेजॉरिटी मतलब काफ़ी लोग थे वहाँ पे, उसमें से 40-50% लोग तो पहचान गए थे हमको. तो फिर उन्होंने पर्सनली बुलाया, साइन किया, हाथ रखा माथे में, दो मिनट तक ऐसे मतलब टच करके प्रेयर किया. इट वॉज सो ब्यूटिफुल, मतलब मैं वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर सकता कि कितना अच्छा फील हो रहा, कितना लकी फील हो रहा. इतना प्रेशियस टाइम उन्होंने इतना ज़्यादा टाइम निकाल के दिया. फर्स्ट मीटिंग उनसे बहुत अच्छी रही. तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी टिबेटन, जितने लोगों ने हमको इसमें सपोर्ट किया, जितने लोग मिले मुझे मंदिर में, जितने लोगों ने साथ दिया, स्पेशल थैंक्स एंड बिग हग टू यू. मैं तो मतलब उस टाइम तो जब मैं बाहर निकल रहा था, काफ़ी लोग मिल भी रहे थे, मैं बहुत अंदर से मतलब एक्साइटमेंट थी, नर्वसनेस थी, समझ ही नहीं आ रहा था मुझे, इतना खुश था मैं अंदर से, क्योंकि एक ड्रीम था एक तरीके से.
तो फाइनली पूरा हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है, अब सुकून से हम दिल्ली जा सकते हैं। मतलब जो थकान थी इतने लंबे पहली बार आने की, वो सारी थकान उतर चुकी है। खुशी है, एक एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि हमने जो पीछे काम किया है वो सब तो किया ही किया, अब दोबारा से और फ्रेश स्टार्ट करना है और 10 गुना ज्यादा काम करेंगे। एक नई एनर्जी आ गई अंदर, सो फीलिंग सुपर हैप्पी। एंड स्पेशल थैंक्स टू नमग्याल दीदी, हमारी ताशी जी, हमारा हेल्पिंग ग्रुप, हमारे लुडोए जी, भूत भैया, इनको तो कैसे भूल सकते हैं हम, और भी जितने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों में तो नाम भी भूल गया। हमारे एक भैया वहां पर भी मिले थे मुझे मंदिर में, उनका नाम भूल गया मैं, वो भी उन्होंने भी काफी साथ दिया, मंदिर पूरा घुमाया हमें, अंदर सब एक्सप्लेन किया। तो सभी का बहुत बहुत ढेर सारा शुक्रिया। वहां पर जो सिक्योरिटी थी उन्होंने भी जो ब्रीफिंग की हमारे लिए, वहां पे जो लामा जी थे, रिंपोचे थे, उन सभी का बहुत ढेर सारा शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आपका एक एक वर्ड और ये टाइम है, इट्स मतलब मेरे दिमाग में वो एक सेकंड जो है पूरा फिट है। अब उसको बता पाना तो बहुत मुश्किल होता है ना, बट थैंक यू सो मच। एंड हमारा लामा जी का मिलने का ये एक्सपीरियंस था, कुछ फोटोज तो मैंने आप देख ही लेना जो मैं ऐड कर दूंगा उसमें। थैंक यू सो मच, अब हम बढ़ते हैं दिल्ली की ओर। थैंक यू सो मच, वेलकम। थैंक यू भैया जी, वेलकम। अब बढ़ेंगे हम दिल्ली की ओर। अब जाएगा? अभी नहीं। अच्छा, चलता हूँ। बाकी सारे व्लॉग्स आएंगे तो प्लीज आप सब्सक्राइब करना मेरे व्लॉगिंग चैनल को, उसमें सब कुछ मिलेगा आपको देखने को। थैंक यू सो मच। थैंक यू, मिलकर बहुत खुशी हुई। रिश्ता जारी रहेगा, फिर मिलते हैं। शो बाकी है जी। बिल्कुल, अभी शुरुआत है, अभी शुरुआत, ये तो बस शुरुआत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू नेता जी। जी जी, जय राम जी की, केला खाते रहो। जी 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 जी, कितना ब्यूटीफुल इमोशनल, तो विदाई वाला माहौल बन गया। ओके, बाय बाय। थैंक यू सो मच भैया जी, मोस्ट वेलकम, फिर मिलेंगे जरूर। जी सर, केला काटो, अब बाय। ओके संदीप, गुड बाय, सेफ जर्नी। मैप में डालें दिल्ली। सो इट्स 485 किलोमीटर, 10 घंटे का सफर है, रात के 12 बजे पहुंचते हैं। एंजॉय करिए, हम चलाते हैं गाड़ी। ये देखिए मोर, ये देखिए ये टनो मोर शॉट दिखी था। ये देखिए मोर पे भी एकदम बड़े सीने पे मैं कलेजे पे हाथ है। कलेजे के अंदर ही अंदर धड़कन बड़ी हुई है, बार बार कह रहे अरे अरे सर से। देखो पहली बार लाइफ में पहाड़ लेके आ रहा हूँ, तो डर तो थोड़ा बहुत है। डर तो है, लेकिन डर भी हिम्मत हमने है। हमने फिर भी हिम्मत बांध दिया है। कलेजे को एकदम फौजी की तरह सीने को चौड़ा करके एकदम। भाई मेरी रगों में तो फौजी का खून है, फादर आर्मी में थे। जी 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 जी, तो डरना तो मना है भाई। जी जी, थोड़ा डर है नेताजी को। जी 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 जी, होपफुली दलाई लामा से मिले हैं आज तो भी नहीं, डर नहीं है, भरोसा है। मैं इधर हूँ, देख सकते हैं मेरा सीना, मेरा भी चौड़ा हो गया है। भाई चला ड्राइव कर रहे, मोर है तो मोर पर थोड़ा धड़कन संभालना पड़ता है। 70 किलोमीटर गाड़ी चला लिए एंड ऊना यहाँ से रह गया है 60-70 किलोमीटर कुछ रह गया है, तो अभी ब्रेक लिए हुए हाथ पैर खोल रहे हैं। देखो हम 2:30 बजे कुछ निकले थे, शायद 5 बजे, तो ऑलमोस्ट 3 आवर्स के ड्राइव करके पहला ब्रेक लिया। सो चाय पियेंगे यहाँ, क्या बर्गर में चाउमीन, एक आलू बर्गर में चाउमीन, बके बके चाउमीन है। डबल मजा, देखते हैं खा के स्वादिष्ट। हाँ खाइए जी, चाय भी है। पानी मारो जी, लाइए जी। आँख मारो जी, आँख में ये हुई ना नींद भागा, नींद भागा। एक्चुअली सुबह हम लोग 5 बजे उठ गए थे हिज होलीनेस से मिलने के लिए, उस चक्कर में ये, और शाम के 5 बज गए तो थोड़ी सी थकान हो रही है, और सेफ ड्राइव करना जरूरी है। और मेरे अलावा यहाँ पे है नहीं कोई, इसको गाड़ी चलाना आता है, तो हम 2-2 घंटे के ब्रेक लेते हो आगे बढ़े। रात के 10:30 बज रहे हैं, टायर्डनेस की तो पूछना मत आप, बिल्कुल भी पूछने की जरूरत ही नहीं है। शक्ल में दिख रहा होगा इतनी लंबी ड्राइव करके, बट 3 घंटे रह गए, मिलते हैं। 1:50 AM, रात के 2 बजे घर पहुंचे हैं, रियली टायर्ड, हम थक गए,
लेकिन आप नहीं थकना इस वीडियो को शेयर करते करते। बहुत अच्छा लगा हमारे दलाई लामा जी से मिलके, एंड स्पेशल थैंक्स टू ऑल आवर टिबेटन सब्सक्राइबर्स, हमारे जितने भी सपोर्टर्स हैं, थैंक यू सो मच। एंड अब बहुत ही मेमोरेबल दिन है, इसको पचाने के लिए हमें नींद लेनी पड़ेगी, तो रेस्ट लेते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय टिबेट, लॉन्ग लिव हिज होलीनेस, जय श्री राम, बाय बाय।